एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें कि हरियाणा से बड़ी खबर, सोनाली फोगाट ने मारा थप्पड़। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां सोनाली फोगाट ने थप्पड़ मारा है मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को, ये थप्पड़ जड़ दिया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी आपको दिखा रहे हैं। मार्केट के सेक्रेटरी है सुल्तान सिंह, जिनको ये थप्पड़ जड़ दिया गया है सोनाली फोगाट के द्वारा। बीजेपी नेता है सोनाली फोगाट, तो आप भी देख सकते हैं इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे सोनाली फोगाट मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी पर गुस्सा करती हुई नजर आ रही है। और फिर अचानक से एक थप्पड़ जड़ देती है इस मार्केट कमेटी के, इस व्यक्ति को। आपको बता दें कि थप्पड़ मारने का जो वीडियो है वो भी काफी वायरल हो रहा है। सोनाली फोगाट ने इसको थप्पड़ मारा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी आपको दिखा रहा है, जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ मारा गया है सोनाली फोगाट के द्वारा। सोनाली फोगाट आपको बता दें कि बीजेपी के नेता है, जिन्होंने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ मारा है। चाली इकडे उजने पडणार आपण तो जितने थप्पड़ मारे जाए तुरे कम है। चाली इकडे उजने पडणार आपण तो जितने थप्पड़ मारे जाए तुरे कम है। चाली इकडे उजने पडणार आपण तो जितने थप्पड़ मारे जाए तुरे कम है। चाली इकडे उजने पडणार आपण तो जितने थप्पड़ मारे जाए तुरे कम है। चाली इकडे उजने पडणार आपण तो जितने थप्पड़ मारे जाए तुरे कम है। चाली इकडे उजने पडणार आपण तो जितने थप्पड़ मारे जाए तुरे कम है। चाली इकडे उजने पडणार आपण तो पहले दोनों में कुछ कहा सुनी होती है, उसके बाद सोनाली फोगाट को गुस्सा आ जाता है और वो इस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ देती है। और ये तस्वीरें भी बेहद वायरल हो रही हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। सोनाली फोगाट को गुस्सा आता है और फिर वो गुस्से में इस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ देती है। आप खुद भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे पहले सोनाली फोगाट और इस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के बीच बातचीत होती है और किसी बात पर सोनाली फोगाट को गुस्सा आता है और फिर वो गुस्से में इस सेक्रेटरी के मुंह पर एक तमाचा जड़ देती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी आपको दिखा रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले जनता टीवी पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। सोनाली फोगाट को गुस्सा आया और उन्होंने इस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ दिया। आप खुद भी सुन सकते हैं कि कैसे सोनाली फोगाट को गुस्सा आता है और वो कहती है कि आपको जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है, और ऐसे कहते हुए वो एक थप्पड़ जड़ देती है इस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को। और मार्केट कमेटी का जो सेक्रेटरी है वो खुद को हाथों से बचाता हुआ नजर आते हैं और बीच में एक दो लोग आकर इस मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी आपको दिखा रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के बीच पहले बातचीत होती है और किसी बात को लेकर फिर विवाद होता है और विवाद इतना गर्मा जाता है कि सोनाली फोगाट इस सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ देती है। तो
तो सोनाली फोगाट को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में इस सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी आपको दिखा रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आपने भी देखा कि किस तरह से सोनाली फोगाट ये तो बता दें कि सोनाली फोगाट जो है वो बीजेपी से नेता है और आदमपुर से भी चुनाव लड़ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कैसे इस वीडियो में सोनाली फोगाट पहले इस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बातचीत करती है, फिर किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, सोनाली फोगाट को गुस्सा आता है और फिर वो इस सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ देती है। आदमपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं सोनाली फोगाट, जिनकी ये वीडियो वायरल हो रही है। आपको बता दें कि गुस्से में सोनाली फोगाट ने इस सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद से वीडियो वायरल हो चुका है। लेकिन सबसे पहले आप जनता टीवी पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सोनाली फोगाट आपको बता दें कि टिकटॉक गर्ल है और आदमपुर से चुनाव भी लड़ चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि ये कोई टिकटॉक वाला थप्पड़ नहीं है, बल्कि असल जिंदगी का थप्पड़ है, जो कि सोनाली फोगाट को गुस्सा आने पर सोनाली फोगाट ने ये थप्पड़ इस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को जड़ दिया है। तो बता दें कि सोनाली फोगाट टिकटॉक गर्ल है और आदमपुर से चुनाव भी लड़ चुकी है, और ये कोई टिकटॉक वाला वीडियो नहीं है, ये असली वीडियो है। सबसे पहले जनता टीवी आपको दिखा रहा है जहां सोनाली फोगाट मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ते हुए नजर आ रही है। उसके बाद बीच में दो लोग आते हैं और बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी आपको दिखा रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी के आपको बता दें कि इस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सोनाली फोगाट टिकटॉक गर्ल है और आदमपुर से चुनाव भी लड़ चुकी है, और ये कोई टिकटॉक वाला थप्पड़ नहीं है, ये असल जिंदगी का थप्पड़ है, जहां सोनाली फोगाट की कुछ बहस हो जाती है इस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के साथ में, और वहां जैसे ही सोनाली फोगाट को गुस्सा आता है तो वो तुरंत इस सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ देती है। प्रदीप हिसार से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से सोनाली को इतना गुस्सा आ गया कि थप्पड़ जड़ दिया गया? बिल्कुल, जो मामला बताया जा रहा है वो हिसार का ही है, और हिसार के मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह है और उनके बीच जो भाजपा नेत्री है सोनाली फोगाट, उनके बीच में जो ये पूरा मामला हुआ है, और किसी मामले को लेकर जो बीजेपी नेत्री है सोनाली फोगाट है उनको गुस्सा जाता है और जिसके बाद वो सेक्रेटरी है सुल्तान सिंह। प्रदीप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रवक्ता रंजीता हमारे साथ जुड़ गई है। रंजीता मेहता जी, बहुत स्वागत है आपके, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीता जी, जिस तरीके का ये वाक्य निकलकर सामने आया है, सोनाली फोगाट ने एक थप्पड़ जड़ दिया है मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं पूरा कारण नहीं जानती कि किन कारणों से ये हुआ है, बाकी जोश के अंदर होश नहीं होना चाहिए, पर अगर उनकी गरिमा के ऊपर किसी तरीके का किसी ने सवाल उठाया है या किसी को पूरी जानकारी नहीं है कि हुआ क्या है, कारण पता चल पाएंगे तो मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगी, पर कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि दोष में कुछ नहीं होना चाहिए, पर कारण कोई बड़ा ही रहा होगा जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है, मैं ये मानती हूँ। जी जी रंजीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई है बीजेपी से।
रेणु जी, जिस तरह से सोनाली फोगाट ने ये मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी मेरी सोनाली जी से कोई बात नहीं हुई है, पूरी डिटेल बात नहीं पता, लेकिन जिस तरह से बात सुनने में आई है कि कुछ उन्होंने मिस वर्ड्स का यूज किया, वो एग्जैक्टली वर्ड्स क्या है, किस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग की और वो ऐसी क्या बात थी जो सोनाली जी को ठीक नहीं लगी, ये देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर बोला जाए। लेकिन एक जनरल बात मैं जरूर कहूंगी कि किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को, वो किसी दल की हो, कहीं की भी हो, अगर कोई भी हल्के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसको उसका अधिकार बनता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए इस तरह की कोई ना कोई बात करे। मतलब रेणु जी, जो सोनाली फोगाट जी ने थप्पड़ मारा है, आप उसको फेवर करती हैं? अगर किसी ने कोई भी किसी को गलत बात बोलता है और थप्पड़ मारा जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन पहले ये स्पष्ट करना जरूरी होगा कि क्या बात कही है। चलिए रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्या है पूरा मामला, किस वजह से थप्पड़ मारा गया है? तो बता दें कि ये वीडियो सबसे पहले जनता टीवी आपको दिखा रहा है, जहां सोनाली फोगाट आदमपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं और इनकी जो है विवाद हुआ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से, जिसके बाद से मामला गर्मा गया और सोनाली फोगाट ने इस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि अभी तक किस वजह से थप्पड़ जड़ा गया है इसका अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है सबसे पहले, लेकिन जनता टीवी आपको दिखा रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आदमपुर से चुनाव लड़ चुकी है सोनाली फोगाट बीजेपी की तरफ से। चुकी है सोनाली फोगाट, जिनका विवाद हुआ इस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से, जिसके बाद से सोनाली फोगाट ने इन्हें थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद दो लोगों ने बीच में आकर समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन उसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है और सबसे पहले जनता टीवी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो बता दें कि टिकटॉक स्टार है सोनाली फोगाट, जो कि आदमपुर से बीजेपी के लिए चुनाव भी लड़ चुकी है, और आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे पहले सोनाली फोगाट कुछ बातचीत करती है, उसके बाद बहस होती है और फिर वो कुछ शब्द कहती है और उसके बाद ये सीधा थप्पड़। तो बता दें कि जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है, उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था सोनाली फोगाट के साथ में, जिसकी प्रतिक्रिया में सोनाली फोगाट ने ये थप्पड़ मारा है। तो बता दें कि इस वक्त की बेहद अहम खबर, आपको बता दें कि सोनाली फोगाट जो है वो बीजेपी से आदमपुर के लिए चुनाव लड़ चुकी है और ये वीडियो सबसे पहले जनता टीवी आपको दिखा रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बता दें कि सोनाली फोगाट ने ये थप्पड़ जड़ दिया है मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को, उसके बाद से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी आपको दिखा रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये व्यक्ति जिसे आप देख रहे हैं, ये मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है। तो बता दें कि टिकटॉक स्टार और भाजपा नेता सोनाली फोगाट ने सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद से वीडियो वायरल हो गया है। हिसार के बाल संबंध में ये अस्थाई अनाज मंडी की घटना है और जहां हिसार मार्केट कमेटी के कर्मचारी को थप्पड़ मारा गया है। आपको बता दें कि हिसार के बाल संबंध में भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने एक मार्केट कमेटी के कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साकेत सुमन जी आउटपुट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत जी, क्या जानकारी आ रही है, क्या वजह रही है जो सोनाली थप्पड़ मारा है इस मार्केट कमेटी के इस सेक्रेटरी को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से आपा खोया गया एक भारतीय
जनता पार्टी की आदमपुर से कैंडिडेट और एक अच्छी टक्कर अच्छी खासी कुलदीप बिश्नोई को इन्होंने दी थी और टिकटॉक में जितने फॉलोअर्स हैं और जिस तरीके से एक नेम और फेम आया था, काफी सुर्खियों में रही थी इलेक्शन में जब टिकट इनको दिया गया था तो उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थी इन्होंने। लेकिन अब सवाल ये उठता है और जवाहर यादव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। जवाहर जी स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपने ये तस्वीरें देख ली होंगी, क्या रिएक्शन है सर आपका इस थप्पड़ मार वीडियो पर? मैंने कोई वीडियो भी नहीं देखी है जी। मेरी संज्ञान में तो अभी कुछ सेकंड पहले ही एक दूसरे चैनल के माध्यम से मुझे पता चला और वो फोन करता इसलिए आपके यहाँ से मैं जुड़ गया जी। तो इसलिए इस घटनाक्रम की वही जानकारी मेरे पास है जो आप मित्रों ने मुझे दी है। लेकिन इस तरीके से किसी को भी प्रदेश के किसी भी निवासी पर हाथ उठाना जायज मानते हैं सर आपसे? देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो। और अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो कानून तोड़ने के ऊपर जो संज्ञान जो कार्रवाई होती है वो की जाती है यदि कोई कंप्लेन करता है। परंतु इसमें मेरा पक्ष ये है कि ये एक महिला से जुड़ा हुआ विषय है जी। आपके संज्ञान में मुझे कहा कि एक महिला ने उसको थप्पड़ मारा है जी। क्या विषय है एक बार इसकी जब तक पूरी जानकारी नहीं आ जाती तब तक मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील विषय पर बगैर तथ्यों के जाने। लेकिन फिर भी जवाहर जी आप ये मानेंगे कि किस तरीके से हाथ उठाना गलत है? नहीं, मैंने तो कहा ही है कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है तो वो गलती है उसको तो मैं कह ही नहीं रहा, परंतु वो लेने का कारण क्या है महिला होने के नाते तो वो एक बार समझने का विषय है कि क्या उस समय महिला के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था क्या? तो किस तरह की घटना है मुझे पूरी घटना जानकारी नहीं, अगर एक ही जगह की घटना है उसमें कोई था नहीं। जवाहर जी एक चीज और, सारी विषय अगर पुलिस तक ये मामला नहीं पहुंचता है, मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी जिन पर हाथ उठाया गया अगर वो इस मामले को लेकर पुलिस तक नहीं जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इंटरनल कोई जांच करेगी इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए अगर कोई अपने आप को ये कहता है कि मैं पीड़ित पक्ष हूँ और वो कार्रवाई नहीं चाह रहा तो इसका मतलब इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि जो उसको हम पीड़ित पक्ष दिखा रहे हैं वो पीड़ित ऐसे तो फिर मनोबल बढ़ेगा ना, हो सकता है किसी दबाव में वो मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हो किसी दबाव में ना जा रहे हो पुलिस तक। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हमारा चाहे कोई पत्रकार मित्र हो चाहे कर्मचारी मित्र हो जी, मैं ये मानता हूँ जिस तरह से मीडिया दबाव में नहीं आता है ऐसे सरकारी कर्मचारी भी नहीं आता, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना उचित नहीं कि कोई दबाव में जाकर पुलिस को कंप्लेन नहीं करेगा। हम हरियाणा में रह रहे हैं और आज पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में प्रतिक्रिया बदल गई है, वो जमाने आज से पुराने समय के लोग होते थे कि इस तरह का कोई दबाव है, जब मुख्यमंत्री खुद कार्रवाई करते हैं ऐसे विषयों पर पहल करके अगर कोई कंप्लेन हो, परंतु अगर कोई कंप्लेन नहीं होगी तो है परंतु ऐसा मिल जाए, ये अभी अभी हमारी जानकारी में आया है। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई मसलों पर आप लोगों ने स्वतः संज्ञान भी लिया है और इस मसले पर भी ऐसा लगता है कि स्वतः संज्ञान भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी आपकी सिर्फ एक नेता नहीं है, ये आपके उम्मीदवार रही है आदमपुर से जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई को अच्छी खासी टक्कर भी दी थी। देखिए अगर कहीं कानून टूटा होगा और कहीं नियमों की अवहेलना हुई होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करेगी, उससे तो मैं कह ही नहीं रहा कि हम नहीं लेंगे, परंतु एक बार तथ्य आ जाए। मैंने वो वीडियो नहीं देखी, मुझे तो जो देखा मैंने सब आपकी आंखों से देखा है, आपके शब्दों को सुनकर मैं वक्तव्य दे रहा हूँ, तो ऐसे एक बार पूरे तथ्य हमारे समक्ष आ जाए और उसमें ये लगता होगा कि कार्यकर्ता ने भी कहीं गलती की है तो कार्यकर्ता को भी हमारे यहाँ बताया जाता है कि ये आचरण और ये व्यवहार आपके लिए ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा कार्यकर्ता हो हमारा, चाहे वो चुनाव लड़ा हुआ कार्यकर्ता हो चाहे बगैर चुनाव लड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, कानून सब पर समान रूप से होता है, पार्टी के अपने भी नियम और मर्यादाएं हैं, उन सबका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका ध्यान रखते हैं और अगर ऐसा कहीं गलती हुई होगी तो मुझे लगता है कि सोनाली जी ही उसकी पहल करेगी अगर उनकी गलती हुई होगी, क्योंकि मुझे अभी तथ्य नहीं पता कि क्या है पूरा घटनाक्रम। क्या थप्पड़ मारना जवाहर यादव जी वो नियमों की अवहेलना नहीं है? दोनों परिस्थितियां अंतर है, किसी महिला के लिए अगर क्या मुझे नहीं पता अगर कुछ ऐसा घटा होगा, नहीं अगर अपशब्द भी कहे गए हैं महिला को तो उसके लिए भी कानून है जवाहर यादव जी, हाथ उठा देना कानून अपने हाथ में ले लेना ये तो किसी भी लिहाज से जायज नहीं है ना? नहीं, अगर आप आईपीसी पढ़ेंगे
भारत के हैं, तो अपने स्वाभिमान की आत्मरक्षा करना, ये परिस्थिति अनुसार उसको भी अधिकार मिला हुआ है, महिला को भी मिला हुआ है। मैं लोक विद्यार्थी हूँ, तो मुझे लगता है ये जानकारी है कि इवन आपके साथ भी अचानक कोई ऐसा घटनाक्रम करता है, आत्मरक्षा में आप भी कुछ कर सकते हैं, और महिला के लिए तो आत्मरक्षा के विषय और व्यापक है। तो एक बार पूरा घटनाक्रम आने दीजिए हमारे सामने, एक बार पूरे तथ्य आ जाए, जो उस समय लोग अगर वहाँ थे या नहीं थे, अगर लोग थे एक बार उनके ध्यान हमारे तक आ जाए, सोनाली फोगाट को हम सुन ले, सरकारी कर्मचारी। कितनी देर का और इंतजार हम लोग कर लें बताइए, उसके बाद फिर इसी खबर पर फिर से वापस आएंगे। आप बता दें कब तक भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं तक, आप तक ये संज्ञान में चला जाएगा ये वीडियो? ओके, ये तो हम ही लोग पहुंचा देते हैं, आपको व्हाट्सएप करवा देता हूं ये वीडियो। नहीं, मुझे लगता है कि आप मुझसे बात कर रहे हो, मीडिया का ये जिसे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हाईकमान के उसमें ये अभी आया होगा जी, तो एक बार तो भी विचार विमर्श होगा, उससे हम जल्दी आपको अवगत कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो बता दें कि जनता टीवी पर जवाहर यादव बोले और उन्होंने कहा कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, अगर मामला